हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉन्केव लेंस होता है। एज यू कैन सी इन द फिगर 15.22, देखिए जिसके बीच से बाहर निकला हुआ है और ऊपर नीचे से पतला है वो है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस। और जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, ये उनके अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये उनसे उल्टा काम करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मों में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं। कुछ लेंस लीजिए, आप इनको टच करके देखिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी करके देखेंगे, आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, आपने किया होगा कभी ये बचपन में, तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और सनलाइट उसमें से पास कराएंगे, उसके नीचे एक छोटा सा कोई पेपर रख देंगे, तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में से सनलाइट पास होके देखिए एक तो रियल इमेज बन रही है सन की यहाँ पे, और वो पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसने इस तरीके से काम किया, सारी सनलाइट को एक ही जगह पे फोकस कर दिया, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आपने देखा होगा मिरर में, जब हमने मिरर पढ़े थे तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट्स छोटे होके दिख रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट छोटे होके दिख रहे थे, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ी की साइड मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं, और कॉन्केव मिरर को नाई की दुकान में यूज़ करते हैं या फिर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है। बट कॉन्केवेक्स लेंस जो है वो चीज़ों को बड़ा करता है, वो एक ही जगह पे उनको कन्वर्ज कर देता है सारी रेज को, और जो कॉन्केव लेंस है वो चीज़ें छोटी करके दिखाता है और जो लाइट आ रही होती है उन्हें दूर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्केव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेपर थोड़ी देर में जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सन की जो है सारी रेज जो है एक ही जगह पे कन्वर्ज हो गई थी और ये सन की रियल इमेज बनी थी यहाँ पे, ठीक है। आप कॉन्वेक्स लेंस लेके और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कैंडल रख के, और कभी डिस्टेंस नज़दीक कर लिया लेंस के साथ में, कभी दूर कर लिया, तो आप देखेंगे कि इमेजेस कैसे कैसे बन रही हैं, छोटी इमेजेस बन रही हैं बड़ी, तो आप पाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज बन रही है तो वो बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है, रियल इमेज बन रही है, और वर्चुअल भी बनती है, ज़्यादा नज़दीक रखने से वर्चुअल बनती है, नहीं तो रियल इमेज बनती है और सीधी बनती है। और जब कॉन्केव लेंस यूज़ करके देखेंगे तो कॉन्केव में You will find that the images formed by a concave lens is always virtual. Virtual मतलब सिर्फ लेंस में दिखेगी और बाहर कहीं नहीं दिखेगी, erect सीधी दिखेगी, and smaller in size और छोटी दिखेगी। देखिए मोमबत्ती यहाँ पे मोटी दिख रही है, और स्केल जब इसमें देख रहे हैं लेंस में देख रहे हैं तो मोमबत्ती पतली और छोटी दिखाई दे रही है। तो कॉन्केव लेंस में जो है ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखाई देते हैं, सीधे दिखेंगे पर छोटे दिखेंगे। सनलाइट वाइट और कलर्ड, सनलाइट जो है हमें दिखती है ये वाइट होती है या कलर्ड होती है, इसके बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि बारिश होने के बाद आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो में आपने कलर्स भी देखे होंगे, अलग अलग कलर्स होते हैं, अगर किसी ने काउंट किए हैं तो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। उनका नाम है, आप उसको याद करने के लिए लिख सकते हैं VIBGYOR, यहाँ से ऐसे उल्टा लिखते हैं इसको VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस तरीके से 7 कलर्स होते हैं एक रेनबो के अंदर। विबग्योर, इसको याद करने का फॉर्मूला है VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, रेड, R फॉर रेड, इस तरीके से 7 कलर्स होते हैं इन दिस सनलाइट। आपने देखा होगा कि एक सीडी जो रहती है जब धूप में रखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही ब्राइट 7 कलर्स आ जाते हैं। बट अगर हम इस एक्टिविटी में देखें कि अगर सीडी को हम फास्ट मूव कराएं, घुमाना शुरू करें, स्पिन करा दें, तो ये सिर्फ हमें वाइट कलर दिखने लग जाएगा, इसमें और कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि सनलाइट में जो है 7 कलर्स होते हैं और वो हमें सिर्फ वाइट दिखती है, लेकिन जब बारिश होती है ड्रॉपलेट्स में से जब वो चमक के निकलती है तो वो 7 कलर्स में
अलग अलग हमें रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है। या फिर एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक प्रिज्म ले सकते हैं और इसमें से सनलाइट पास कराएंगे और किसी सामने दीवार के ऊपर उसकी सनलाइट की जो है इमेज बनाएंगे तो आप देखेंगे सनलाइट जो प्रिज्म में से निकल के वॉल पे जा रही है, फॉल कर रही है, वहाँ पे 7 कलर्स बन गए हैं। तो सनलाइट जब प्रिज्म में से पास करती है तो ये 7 कलर्स में अलग अलग अपने हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि जो सनलाइट है वो वाइट नहीं है, एक्चुअल में वो दिस इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स जिनका सिंबल है विबग्योर, VIBGYOR। तो यहाँ पर बच्चे आपका 7th चैप्टर 15th ख़त्म होता है। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।